बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम बंसीलाल है। मैं राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में छोटे से गांव आनंदगढ़ का रहने वाला हूँ। और सर, मेरे पिताजी एक किसान है, माताजी हाउस वाइफ है। और सर, स्कूलिंग 12th तक गांव में की थी, और ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम 2011 में बीकानेर से करी थी सर। और पीजी तो बैंक ज्वाइन करने के बाद 2020 में की थी। और बैंक मैंने 2013 30 अगस्त 2013 को त्रिवेणी ग्राउंड बैंक ज्वाइन करा था क्लरिकल में। और 2020 में मेरा सर प्रमोशन हो गया था स्केल वन के लिए। तब से मैं रूरल ब्रांच में काम कर रहा हूँ। तो आप किस पोस्ट पे हैं? ब्रांच मैनेजर हैं या ऑफिसर हैं? नहीं, ऑफिसर हैं सर। आपने बैंक कौन सा बताया था? पहले पर्सनल यूपी ग्रामीण बैंक, कौन सा ग्रामीण बैंक? पर्सनल यूपी ग्रामीण बैंक। प्रथमा यूपी ग्रामीण। ओके, और आप रहने वाले राजस्थान के? यस सर। ओके, सो बताइए कुछ। अभी आप ऑफिसर मतलब ऑपरेशन ही देखते हैं या लोन भी देखते हैं? सर, लोन भी देखते हैं, ऑपरेशन भी देखते हैं। रूरल बैंक में तो सभी काम देखते हैं। ओके, तो बताइए मुद्रा लोन के बारे में बताइए। सर, मुद्रा लोन एक उद्योग या इंडस्ट्री या कोई वर्कर को दिया जाता है सर। इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, जैसे शिशु, किशोर और तरुण में दिया जाता है। शिशु में 50,000 तक का, और 50,000 एक से लेके 5 लाख तक का किशोर में दिया जाता है। तरुण में सर 10 लाख तक है, अगर वो सही प्री पेमेंट करता है तो तरुण प्लस भी आ गया है। ठीक है, अभी जो लिमिट बढ़ाई है बजट में तरुण के अंदर, वो कितनी कर दी है? ठीक 20 लाख कर दी सर। है, ओके। यूपीआई के बारे में बताइए कुछ। यूपीआई सर, ये मोबाइल के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए एनपीसीआई द्वारा लाया गया एक इक्विपमेंट या फैसिलिटी है सर, जिसमें यूपीआई 5 लाख तक कर सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल एनपीसी नंबर से ठीक है, एनपीसीआई के 5 प्रोडक्ट बताइए जो एनपीसीआई ने डेवलप किए हैं। सर, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, एनएफटी हो गई, आईएमपीएस हो गया, एईपीएस हो गया, ये सर ओ, अम्ब्रेला एनपीसीआई के प्रोडक्ट। क्या होता है एईपीएस? क्या होता है? ये आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम होता है सर। जैसे हमारे बैंक के बीसी होते हैं, वो इसी मॉडल पे, इसी का यूज करके पेमेंट मिनी स्टेटमेंट इसी के माध्यम से देते हैं। ओके, नागर सर। हाँ, आपने बैंकिंग में क्लरिकल में काम किया है, कितने साल काम किया था? 6 ईयर सर, अच्छा, तो 6 साल। पीपीएस के बारे में जानते हो? पीपीएस सर अभी लागू हुआ है सर। पे पेमेंट सिस्टम है जो 50,000 से जैसे डिजिटल चेक क्लियरिंग में लगाते हैं, तो उसके लिए स्कैन करके डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के थ्रू भेजने पड़ते हैं। अभी तो 50,000 से ऊपर के लिए अभी लागू नहीं है, सिफारिश की गई है। लेकिन 5 लाख से ऊपर के लिए जो है उनकी डिजिटल सिग्नेचर और अमाउंट का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या डिफरेंस है? एनएफटी तो सर बैच के थ्रू होती है, और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कोई क्लियरिफाई नहीं है, कितनी भी आप कर सकते हैं। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट है 2 लाख तक, लेकिन उसमें बैच में नहीं जाती, वो पर ट्रांजेक्शन पर क्रेडिट अकाउंट हो जाती है। आपने बताया कि बैंक मित्र बैंक से जुड़े हुए हैं आपके ब्रांच में, तो उनसे बैंक को क्या हेल्प मिलती है? सर बहुत हेल्प मिलती है उनसे, वो रिकवरी में भी हेल्प कराते हैं। और जितनी 10,000 की ट्रांजेक्शन होती हैं वो आधार बेस पे पेमेंट दे देते हैं। स्टेटमेंट भी, अब तो मिनी स्टेटमेंट भी वो बीसी मॉडल के थ्रू देने शुरू कर दिया है सर। कस्टमर को आना नहीं बैंक तक, इंक्लूड बेंच में मेन ब्रांच में जैसे उनको आना नहीं पड़ता,
वहीं से जहाँ उसी गांव के अंदर मॉडल है तो वहीं के थ्रू आधार से पेमेंट इंक्वायरी सब हो जाती है। तो बैंक मित्रों को जोड़ने से उनको किस तरीके से बैंक पैसे मुहैया, मतलब सैलरी देती है, क्या करती है? वो सर जैसे पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलता है, और जैसे अकाउंट खोलते हैं तो 20 रुपये पर अकाउंट उनको RDA FD के लिए पर अकाउंट उनको इंसेंटिव दिया जाता है। तो इस तरीके से तो स्टाफ भर्ती की जगह बैंक मित्रों की संख्या बढ़ा दी जाए और स्टाफ फिर फ्री हो जाएगा, तो फिर स्टाफ का क्या काम रहेगा बैंक में? नहीं, स्टाफ तो सर परमानेंट है, वहाँ तो लोन लोन का डीलिंग का काम बड़े लेवल पे होते हैं सर। मिनी लेवल पे जो गांव में जहाँ कस्टमर को सुविधा देने के लिए BC मॉडल ये स्टार्ट किए गए। अच्छा, अभी तक आपने कौन कौन से एडवांसों में काम किया है? सर KCC रूरल ब्रांच है सर, तो ज़्यादातर KCC होता है, KCC है, KGS है, और PMGP का कुछ लोन हो जाते हैं। कोई रिटेल से संबंधित लोन किए हैं? तो कार लोन क्या है? रूरल अच्छा, क्या क्राइटेरिया है कार लोन का? कार लोन में सर मिनिमम सैलरी 20,000 होनी या 20,000 या वो होनी चाहिए, और अगर रूरल में देते हैं किसान को उसको नेट टेक होम सैलरी 1.5 लाख तक एनुअल होनी चाहिए, और उसमें 15% अगर न्यू कार देते हैं तो 15% मार्जिन भी नहीं लेते हैं। अगर 3 साल से मोर देन 3 ईयर ओल्ड होने चाहिए उसके लिए 30% मार्जिन मनी के साथ उसको लोन कर सकते हैं। उसके लिए न्यू के लिए हमारे यहाँ 84 मंथ के लिए किया जाता है, ओल्ड के लिए 60 मंथ के लिए। प्रॉफिट के बारे में बताइए कुछ, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस प्रॉफिट में सर सारे टैक्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, और नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ये सब इंक्लूड नहीं होता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिव प्रॉफिट सर जैसे कैश के अंदर जो परिचालन है या कैश प्रवाह में जो जितना यूज किया जाता है, कैश या कैश से रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट होता है उसे ऑपरेटिंग। वर्तमान में आपने सुना होगा वन स्टेट वन RRB, इसकी यस सर, धारणा सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, तो यस सर, इससे बैंकिंग इंडस्ट्री RRB पे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बेनिफिट ही होगा सर। जैसे एक बैंक अगर स्टेट में एक बैंक हो जाता तो कस्टमर को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वो कहीं भी अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवेबल होता है तो उसके साथ उसका अकाउंट भी मूवेबल हो सकता है। वो पहले ही बोलता है कि वहाँ तुम्हारा अकाउंट है नहीं, मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, वहाँ खाता नहीं जा रहा। और दूसरी चीज़ है जैसे खर्चे हो जाते हैं, ओवरहेड खर्चे हो गए, जैसे भारी हमें हर बैंक को अपना सर्वर किसी दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है या अपना सर्वर खरीदना परचेज करना पड़ता, उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। या एक बैंक का हेड ऑफिस रेंट पे चल रहा है, एक एक बैंक का हेड ऑफिस जो है अपना बना हुआ है तो वो अपने बिल्डिंग में एक एक हेड ऑफिस से हो जाएगा तो उसका आधे से ज़्यादा खर्चा सर कम हो जाएगा। अच्छा, SSS स्कीम क्या है? SSS सर ये माननीय मोदी जी द्वारा स्वास्थ्य संबंधित दी गई है, PMSY, PMJJY और APY, ये 3 तरह की स्कीम लाई गई। अच्छा, PMSBY में इसका फुल फॉर्म और इसके क्या फीचर्स हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा जी योजना लाई गई थी सर, सिक्योरिटी बीमा योजना है सर, और इसमें ये प्रीमियम इसमें कितना इसमें 20 रुपीज़ है सर। है और बाकी इसमें फीचर्स और कुछ हो? इसमें सर पहले 1 लाख तक का इंसिडेंटल कवरेज था, लेकिन उसके बाद 2018 से इसको 2 लाख कर दिया गया है। इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस कवर रहता है इंसिडेंटल, अगर अगर उसमें
इनिशियल पार्सल होता है तो उसमें 1 लाख में कवर हो जाता है 3 दिन। ये एपीवाई में बैंक बताइए। APY, ये पेंशन योजना है सर। इसमें 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। इसमें 18 से 40 साल की एज का ही इन्वॉल्व हो सकता है। अनु जी, बंसी जी अनु आपने ये यस बताइए, ग्रामीण बैंकों के इतिहास में आपका जो बैंक है प्रथमा ग्रामीण बैंक, क्या खास बात यस जुड़ी हुई है? ये सर सबसे पहला बैंक है। 2 अक्टूबर 1975 में ऑडियंस के थ्रू बनाया गया था, अध्यादेश के तहत। उसके बाद एक्ट ओके। इनका पास हुआ था। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने पीएमईजीपी, आपकी जो ब्रांच में पीएमईजीपी टाइप के लोन भी किए जाते हैं, यस सर, क्या होता है पीएमईजीपी? ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है सर। इसमें सब्सिडी बेस्ड लोन दिए जाते हैं सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे एग्जिस्टिंग बिजनेस है किसी का, तो वो क्या वो एलिजिबल है? नहीं सर, ये न्यू लोन के लिए जाते, न्यू अगर बिजनेस के लिए भी। सर्विस में है तो दिया जाता है एग्जिस्टिंग। ओके। अच्छा, इसमें क्या जो सब्सिडी होती है उसका क्या क्राइटेरिया रहता है? इसमें सब्सिडी में सर जैसे अर्बन है और SC ST है या वुमेन है तो उनको लिए 25% है, और रूरल में है तो 35% है, और जनरल के लिए सर इसमें 15% अर्बन के लिए है, 25% रूरल के लिए है। एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए मैं कोई अपन किसी कोई बिजनेस फाइन को फाइनेंस कर रहे हैं पीएमईजीपी, उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50 लाख। ओके, 50 लाख प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एससी एंटरप्रेन्योर है अर्बन एरियाज का, यस सर, ठीक है, 20 लाख का लोन दिया है हमने, तो अब कितना आप सब्सिडी दोगे? नहीं 50 लाख देखिए, अगर प्रोजेक्ट वो कॉस्ट नहीं और सर, ट्वेंटी अगर लाख इसमें ये लोन दिया। इसमें अगर आपको 30 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 30 लाख आप ऑन कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको 50% पे ही सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, जितना आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसे भी सब्सिडी मिलती अच्छा, मतलब मेनली ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर हम सब्सिडी की कैलकुलेशन करते हैं, ना कि फाइनेंस अमाउंट पर। है। नहीं सर, ओके, फाइनेंस अमाउंट में कैलकुलेशन नहीं। नहीं की जाएगी। ठीक है, ठीक है, आपका तो काफी लंबा बैंकिंग में करियर है, काफी। ओके, मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं एनालिसिस भी बता देता हूँ। बढ़िया रहा आपका इंटरव्यू, नॉलेज भी है आपको, बेसिक बेसिक सारी नॉलेज है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और रखिए, बढ़िया रहेगा आपका इंटरव्यू, बाकी सब कुछ अच्छा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बढ़िया इंटरव्यू दिया आपने, आप मतलब आपका एक्सपीरियंस ही आपके काम आ जाएगा, तो बाकी ठीक है, बढ़िया है। ऑल द बेस्ट डॉक्टर सर। बंसीलाल जी, आपका इंटरव्यू बहुत शानदार रहा और बढ़िया है, पूरा एवरेज बहुत गुड है एक तरीके से, और आपका मुझे लगता है कि इस बार इंटरव्यू बढ़िया रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।